भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जा रहा है, जहां पर भारतीय टीम फिलहाल बल्लेबाजी कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन आज भारतीय ओपनर्स के सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की एक नहीं चली और रोहित और राहुल ने जमकर खबर ली। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए भारत को तूफानी साझेदारी कर 9 ओवर के अंदर 89 के स्कोर तक पहुंचा दिया। राहुल कोलिटी ग्रैंड होम का शिकार हुए, 19 गेंदों में उन्होंने 27 रन बनाए और रोहित शर्मा फिलहाल नाबाद खेल रहे हैं, उन्होंने शानदार अर्धशतक भी जड़ दिया है। बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो 6वें ओवर में आज रोहित शर्मा ने पूरा मैच पलट दिया। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर आज हावी होते दिख रहे हैं, लेकिन 6वें ओवर में हैमिश बेनेट के गेंदबाजी के परखच्चे उड़ा दिए रोहित शर्मा ने। हैमिश बेनेट के एक ओवर में रोहित शर्मा ने 26 रन ठोके, ये पारी का 6ठा ओवर भी था और भारत 60 से ज्यादा का स्कोर भी बना ले गया पावर प्ले के आखिरी ओवर में। बता दें आपको कि इस ओवर में रोहित ने सिर्फ एक डॉट बॉल खेली और 3 छक्के और 2 शानदार चौके जड़े, जिसकी बदौलत इस ओवर में उन्होंने 15 रन बटोरे और तूफानी अर्धशतक भी जड़ दिया। रोहित की इस पारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन आज शानदार तरीके से रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। रोहित ने अपनी पारी 40 गेंदों में 65 रन पर खत्म की और एक तूफानी पारी का अंत हुआ। अब देखना होगा कि भारत बड़ा स्कोर कैसे खड़ा करता है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट। We'll be right back.